ये देखिए गाइस, यहाँ पर हम जब आए अक्षरधाम मंदिर से तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमें भूख लग रही थी, तो हम जा रहे हैं अभी हल्दीराम में खाने के लिए। ये खाना इनका है और इनके खाने में से खाऊंगी मैं। और ये भी साथ में एक रस। सो गाइज, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि मोबाइल लाइन में लगाने के लिए जाना था सबमिट करने के लिए, क्योंकि मोबाइल सबमिट करेंगे फिर मोबाइल की बात है, तो वहाँ पर लॉकर में रखा जा रहा था मोबाइल, तो वहीं पर सबमिट करने के लिए मेरे बीच वाले प्रेम मामा गए हुए थे, तो वहीं पर उन्होंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। तो बहुत भीड़ थी गाइज, मोबाइल सबमिट कराने की लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और ज़िगज़ैग बना हुआ था, सीधी लाइन नहीं थी, ज़िगज़ैग बन के काउंटर था, तो वहाँ पर गए थे और उन्हें कम से कम 2 घंटे लग गए थे मोबाइल सबमिट कराने में ही। फाइनली गाइस, हम सब अभी बाहर निकल के आ चुके हैं, और जैसा कि मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो जब हम बाहर निकल गए शो खत्म हो गया, जैसे वाटर शो था तो वो खत्म हो चुका है। अब मैं अभी घर पे पहुँच गया, आपको सब कुछ बताऊंगी कि अंदर क्या क्या हुआ है। तो अभी तो हम हाँ वाटर शो हुआ है, उसमें बहुत मज़ा आया, अंदर और भी बहुत कुछ हुआ है, तो अभी हम बाहर आ चुके हैं, मोबाइल सबका मिल चुका है, तो अभी हम सब जाएंगे घर, उसके बाद मैं घर पे आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या हुआ है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। फिर से यहाँ से हम सब आए हैं, एग्जिट किए हैं, वापसी मोबाइल लिए हैं, और जमा करने वाला यहाँ दिखाया जाएगा बाद में, जमा करने में कितनी भीड़ थी, जबकि वापसी में बहुत कम भीड़ थी मोबाइल लेने वक्त में। और ये पूरा देखिए, मंदिर बहुत अच्छा है, बट मोबाइल ले जाना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउ नहीं है, यहाँ तक कि मेरा वॉच और ब्लूटूथ भी निकलवा दिया। और यहाँ पर हम निकल चुके हैं गेट से बाहर, फाइनली मैंने सब कुछ देख लिया। देख लिए? अच्छा, कैसा लगा? अच्छा लगा। और ये हमने फोटो फ्रेम भी खिंचवाया है, मतलब फोटोग्राफी भी की है, घर पे दिखाएंगे, बहुत मस्त फोटो आई है, क्योंकि अगर हम जब मंदिर आए ही थे तो फोटो शूट क्यों ना करवाए, क्योंकि मोबाइल तो ले जाना अलाउड नहीं था, तो फोटो शूट करवाए और बहुत मस्त पिक आई है, हम घर आपको जाके दिखाएंगे। अब फाइनली लुक देख लीजिए वापसी का, एंट्री गेट इधर से था और एग्जिट गेट ये था। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हम जब आए अक्षरधाम मंदिर से तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमें भूख लग रही थी, तो हम जा रहे हैं अभी हल्दीराम में खाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में हल्दीराम लिखा हुआ है और नीचे में है होटल, तो हम सब जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, और मैं सच में बहुत हल्दीराम ऊपर में और नीचे होटल, और मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है इस होटल को, और आप इनको देखिए, ये इधर से उधर ढूंढ रहे हैं खाना कहाँ मिल जाए, झट से खा लेंगे। और मेरे नाना जी भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, टोटल स्पेशल। ओहो गाइस, मैं देखिए बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और यहाँ पर पूरी सीट भर गई है। हम लोग पहुँच गए हैं हल्दीराम डिनर के लिए, बट डिनर आगे में आया नहीं है, खाली टेबल पड़ा है, और ये आ रहे हैं भैया जी लेके, बहुत जोर से लगी है राजमा चावल, और यहाँ राजमा चावल आ गई है, अगर आपको भी खाना है तो आ जाइए। और टाइम खाली की अब क्या, और यहाँ पर सब आ चुके हैं, घर भी दिखा सकती है अभी आपको। यहाँ पर सब खाने के लिए आ चुके हैं, भूख लग रही थी शाम से, क्योंकि बाहर थे और मंदिर में भी थे, तो इस वजह से इन्हें तो लगा ही था भूख, बहुत ज़्यादा भूख लगी है दोस्तों, और मुझे भी लग गया, तो यहाँ पर था पास में हल्दीराम का होटल, तो वहाँ पे आ गए थे खाने के लिए, तो
गाइस यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तो मामा के लिए राजमा चावल आया है, अभी चावल आया है, अभी अभी और खाना शायद से आ रहा है ना। हाँ आ रहा है। अब गुड़िया जाएगी लाने के लिए, तो आपको दिखाएंगे कैसे लेके आ रही है। मैं तो थक गई, मुझे चलने का मन नहीं कर रहा, फिर भी घर तक चलना पड़ेगा। फोटो शूट हो रहा है। यहाँ पर जो है फोटो शूट होने के लिए यहाँ पर लड़ झगड़ रहे, कोई फोटो शूट हो ही नहीं पा रहा है सही से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं फोटो शूट हो रहा है। यहाँ पर राजमा चावल, हम सब फोटो शूट में रह गए, और यहाँ पर देखिए ये पापड़ का क्या हाल हुआ। और मैं इधर तब तक खा ले रहा हूँ। पहले भुकड़ों को खाने दो, उसके बाद हम जैसे खाएंगे। आप लोग भी खा लीजिए गाइस। कैसा है? मेरे को भी भूख लग रही है। खाओ खाओ। शर्मा ने खा लो। देखिए गाइस हम में से खा रहे हैं, अब हम भी उनमें से खाएंगे, इसलिए थोड़ा खिलाए हैं एक चम्मच उनमें। कैसा लगा? गुड़िया के चम्मच पे चल ही नहीं रहा है।